दोस्तों सामने आपके आज है मारुति सुजुकी इग्निस गाड़ी और ये गाड़ी का आपका जीटा वेरिएंट आ जाता है। गाड़ी आप लोग देख सकते हैं, तो ये लुक आपको देखने को मिलता है। गाड़ी के जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस है वो आप लोगों को 7,34,000 देखने को मिल जाएगा अकबरपुर में। और गाड़ी आप लोग देख सकते हैं, तो ये आपको 1200 cc इंजन में देखने को मिलेगी। और माइलेज की अगर बात करते हैं तो माइलेज में आपको 20 किलोमीटर पर लीटर का मिल जाएगा। तो गाड़ी को आप लोग फ्रंट से देख सकते हैं, इस तरीके का लुक आता है। गाड़ी आप लोग की देख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा सेल होती है और ये आपकी स्पोर्ट लुक में गाड़ी आती है। मारुति की ये डिफरेंट कार है, आप लोग देख सकते हैं जो भी गाड़ियाँ आती हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट लुक इसका दिया जाता है और सभी गाड़ियों से आप लोग को इसका डिफरेंट लुक देखने को मिल जाता होगा। तो आज हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, एक्सटीरियर व्यू कैसा आता है और इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और डिफरेंट क्या बनाता है इसको अदर गाड़ी से, तो वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे इसमें। आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये है इसका गाड़ी का फ्रंट लुक, ये आप लोग को इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। और अब हम चलते हैं गाड़ी की तरफ और देखते हैं क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको देखने को मिल जाता है हेलोजन में हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलता है, ये आएगा यहाँ पे लुक। और इस जगह आपको मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर गाड़ी में, तो ये आप लोग इस तरीके का व्यू आता है। और गाड़ी में यहाँ पर देख सकते हैं तो ये आपको क्रोम का वर्क इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, पूरा इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्रोम का वर्क और इस तरीके से यहाँ पर आपको चलेगा। इस बोथ साइड में आपको कनेक्टिंग में आपको क्रोम वर्क मिलता है। और यहाँ पे फ्रंट का लुक देख सकते हैं तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे ग्रिल का लुक जो है, ये आपको क्रोम फिनिश इसमें देखने को मिल जाता है, ये आपको मिलेगा। और ये एयर के वेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मिडिल में इस जगह आपको मिल जाएगा सुजुकी का क्रोम फिनिश में लोगो, तो ये बहुत ही प्यारा लुक देता है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में तो बम्पर का लुक आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये आ जाता है ब्लैक में और सिल्वर फिनिश भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो गाड़ी की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी शाइनिंग में फिनिशिंग मिलती है। और इसमें आपको इस जगह आपको फॉग लैम्प भी देखने को मिलेगा, ये आपको ब्लैक का वर्क आता है, तो ये गाड़ी का व्यू आपको देखने को मिल जाता है। गाड़ी में यहाँ पे देख सकते हैं तो बोनट में आपको ये दो आपको देखिए वॉशर के ऑप्शन दिए जाते हैं, इस तरीके का आएगा विंडशील्ड का लुक। और यहाँ पे साइड में देख सकते हैं तो बोथ साइड में ये आपको ब्लैक कलर का दिया जाता है, ये लुक दिया जाता है अच्छा सा। और व्हील देख सकते हैं आप लोग, तो व्हील का लुक देख सकते हैं, ये ब्लैक टोन में आपको पूरा व्हील का लुक आ जाएगा, बहुत ही अच्छी इसमें ग्रिल दी जाती है देख सकते हैं। ये आपको अलॉय का जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा दिया है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं तो साइज इसका मिल जाएगा 15 इंचेस का आपको ये व्हील साइज इसमें देखने को मिलता है। तो ये गाड़ी में लुक पूरा आता है। एक बार साइड प्रोफाइल देख लीजिए गाड़ी की, तो ये आपको साइड प्रोफाइल का लुक आपको देखने को मिल जा रहा होगा, ये बहुत ही अच्छा सा आता है। एक बार यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा स्पेस देके देख सकते हैं तो ये आ जाता है साइड प्रोफाइल। ये आपकी मिनी एसयूवी है और देख सकते हैं एसयूवी की फीलिंग आएगी आपको। इसके ऊपर जो गाड़ी आती है आप लोग देख सकते हैं तो एसयूवी में ब्रेजा आती है, लेकिन ये आपकी ब्रेजा की मिनी एसयूवी है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे गाड़ी में, तो इस जगह आपको मिल जाते हैं ORVM, ये आगे बॉडी कलर में मिलता है। और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आपको साथ में मिलता है देखने को। यहाँ पे साइड लुक आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कर्व ये देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी में यहाँ पे डोर हैंडल देख पा रहे होंगे तो ये आपको मिल जाएगा बॉडी कलर में। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिलता है गाड़ी में, तो ये जो लुक आएगा। और अपर में देख पा रहे होंगे तो ये आपको रूफ रेल्स मिलती हैं, सिल्वर फिनिश में मिल जाएंगे रूफ रेल्स, तो ये इनका लुक आएगा। और अपन डिज़ाइन तो आप लोग देख पा रहे होंगे प्लेन में आपको मिलता है यहाँ से। और अभी यहाँ पे देखते हैं तो इस जगह गाड़ी में नीचे साइड यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये आपको ब्लैक कलर का क्लेडिंग का वर्क मिलता है छोटा सा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और बैक में रियर प्रोफाइल देख पा रहे होंगे तो ये इस जगह आपको मिल जाएगा, ये तीन यहाँ पे लाइंस मिल जाती हैं, कट्स मिलेंगे, ये इसको डिज़ाइन देते हैं गाड़ी को। और यहाँ से बैक पे देख पा रहे होंगे तो बैक लुक देख सकते हैं गाड़ी का, तो ये इग्निस का हमारा बैक लुक आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बैक में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे टेल लैम्प का लुक, ये आपका टेल लैम्प का लुक डिज़ाइन आता पूरा। यहाँ पे देखिए टर्न इंडिकेटर यहाँ पे मिलता है, इधर रिवर्स पार्किंग की लाइट आपको इस जगह देखने को मिलती है, ये आएगा पूरा व्यू। और बैक में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा इस जगह, ये आपको मिलता है क्रोम फिनिश में। और इस साइड में देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको इग्निस की बैजिंग मिल जाती है क्रोम फिनिश में, ये वर्क आएगा पूरा। और इस जगह गाड़ी में देख पा रहे होंगे इधर तो रिफ्लेक्टर्स आपको ये डिज़ाइन में देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको चार सेंसर गाड़ी में देख पा रहे होंगे, चार रिवर्स सेंसर आपको गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर बैक में ये आपको सिल्वर फिनिश में आपको लुक दिया जाता है। ग्राउंड क्लीयरेंस देख सकते हैं, तो ये आपको ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे।
और ये आपका आता है यहाँ पे बैक में, तो ये आपको डिफॉगर्स इसमें देखने को मिलते हैं। और इस जगह आपको देखिए हाई माउंट स्टॉप लाइट मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये स्पॉइलर का वर्क आपको देखने को मिलता है ये आपका, तो ये लुक बहुत ही अच्छा इसको देता है। और अपर में देख सकते हैं एंटीना आपको मिल जाएगा ये, तो आपको फोल्डेबल एंटीना मिल जाता है। यहाँ पर आपको नेक्सा का स्टीकर मिलता है, नेक्सिया प्रीमियम कार बनाती है सुजुकी की, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से साइड प्रोफाइल देखते हैं बैक का, तो इस जगह आपको बैक में यहाँ पे स्क्वायर शेप में आपको फ्यूल टैंक ऑप्शन मिलेगा 32 लीटर कैपेसिटी के साथ में, तो ये पूरा व्यू आता है। अब हम लोग चलेंगे ड्राइवर साइड वाली सीट में और देखेंगे वहाँ पे क्या क्या फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं, गाड़ी कैसी लगती है, इंटीरियर में क्या क्या देखने को मिलता है वो सारा हम लोग चेक करेंगे, कितनी स्क्रीन मिलती है वो सारा हम लोग चेक करते हैं। तो चलते हैं ड्राइवर साइड वाले डोर को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे डोर को, सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं और लुक देख सकते हैं। तो लुक ही बहुत ही प्रीमियम से लुक आ जाता है, डुअल डोर में आपको डोर देखने को मिलता है यहाँ पे। ये तो आपको ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है गाड़ी में, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। और सबसे बढ़िया देख सकते हैं तो क्रोम फिनिश में अनलॉक की बटन मिलती है यहाँ पे, और ये आपको चारों पावर विंडोज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये आपको ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन मिलेगी, और यहाँ से डोर के लॉक अनलॉक मिलेगा, मिरर लॉक। और ये आप देख सकते हैं तो ये बटन आपको मिल जाता है ORVM का, तो यहाँ से आप लोग ORVM ओपन कर सकते हैं और फोल्ड कर सकते हैं, ये आपको यहाँ से बटन मिलेगा। और ये ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये लुक आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं तो बॉटल स्टोरेज मिलता है पूरा आपको यहाँ पे कनेक्टेड मिलेगा, तो इस जगह भी स्टोरेज आपको फाइल वगैरह रख सकते हैं। और जो डोर हैंडल है ना, तो ये बहुत ही प्रीमियम सा दिया गया, ग्रे फिनिश में आपको दिया जाता है ये, और बहुत ही अच्छा लुक देता है। और यहाँ पे स्पीकर देख सकते हैं, तो ये आपको स्पीकर का ऑप्शन मिलता है इस जगह गाड़ी में, यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ट्विटर मिल जाएगा। तो चार स्पीकर आपको गाड़ी में मिलेंगे और दो ट्विटर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आता है पूरा इंटीरियर का लुक, यहाँ से देख पा रहे होंगे और गाड़ी में यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस जगह अभी हम लोग सीट में देखेंगे बैठ के, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये आपको सीट हार्ड टच में मिलती है यहाँ, यही आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, इस तरीके का लुक आएगा। ये आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं बोथ साइड में, ये आपको सॉफ्ट टच मिलता है और ये आपको ये भी सॉफ्ट टच मिलता है। तो चलते अभी हम लोग बैठ के देखते हैं तो सीट में क्या कैसा लुक आता है, क्या फीचर्स मिलते हैं वो सारे हम लोग चेक करते हैं। सीट को अभी हम लोग पीछे करेंगे और यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाड़ी की कीज़। तो कीज़ किस तरीके की मिलती हैं ये आप लोग देख सकते हैं, तो दो आपको कीज़ मिल जाएंगी, ये आपको पावर कीज़ मिलती है दोनों, और दोनों में आपको दो बटन मिल जाती हैं, एक लॉक अनलॉक, दो बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं गाड़ी में। तो ये हमारी कीज़ मिलती है, यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे इंजन स्टार्ट का बटन भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी में, तो ये देख सकते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ मिलेगा। और लाइट्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो एडजस्ट आप लोग कर पाएंगे। और ये चीज़ आपको मिल जाती है AC के वेंट्स, तो ये लुक आपको देखने को मिल जाएगा। और ट्रिप जो आपकी रीसेट का बटन है, ट्रिप के इन्फॉर्मेशन, ये सारी इस जगह आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ से आप लोग एडजस्ट कर पाएंगे। और ये आपको मिल जाता है स्टेयरिंग का लुक, ये बहुत ही प्रीमियम सा लुक आता है इसमें गाड़ी में, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्लैक मिलता है। और इस जगह आपको ये सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पे ये वर्क देखने को मिलता है, इसमें भी आपको डिज़ाइन दिया जाता है, आपको इस तरीके का लुक आता है। यहाँ पे कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट के ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं वॉइस कंट्रोल भी मिलेगा यहाँ पे, आपको मोड्स मिल जाते हैं यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे इस जगह आप देख सकते हैं वाइपर से कंट्रोल मिलेंगे राइट साइड में, यहाँ से आप लोग लाइट्स को ऑन ऑफ कर पाएंगे। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हम लोग देखते हैं, तो ये आपको देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन दिया जाता है, एकदम कूल लुक आता है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे RPM मिल जाता है इधर लेफ्ट साइड में, इधर मिडिल में आपको 200 की देखिए मैक्सिमम स्पीड आपको मिल जाती है। और यहाँ पे जो MID है वो आपको राइट साइड में यहाँ पे देखने को मिलती है, इसमें सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आपको ट्रिप जो डिस्टेंस किलोमीटर फ्यूल इकोनॉमी जो भी है वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये पूरा लुक आ जाता है स्टेयरिंग का यहाँ पे। तो यहाँ पे आप हम लोग देखते हैं स्क्रीन, तो टच स्क्रीन का लुक क्या मिलता है देखने को वो हम लोग चेक करेंगे, वो हम लोग देखते हैं वो सारा हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टच स्क्रीन आपको मिल जाती है इसमें, मारुति में आप लोग देख सकते हैं, तो मैक्सिमम 7 इंच की स्क्रीन मिलती है। और ये आपको ब्लैक पियानो फिनिश में आपको मिलेगा पूरा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मीडिया कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल को। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाती हैं टच में, ये मिल जाएंगी। और इस जगह देख सकते हैं तो ये आपको पार्किंग लाइट बटन मिलती है यहाँ पे, और ये मिल जाते हैं AC के मोड्स, ये सारे कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, पूरे तीनों मोड्स मिल जाते हैं यहाँ पे। AC का बटन है और यहाँ से फ्लो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इस जगह आप लोग देख पा रहे हो गाड़ी में, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे USB ऑक्स केबल मिलता है, देखिए USB ऑक्स दोनों चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपको मिल जाएगा मोबाइल का स्टोरेज यहाँ पे, और ये दो कप होल्डर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, इस तरीके का लुक आएगा। और गियर बॉक्स आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसमें 5 आपको गियर देखने को मिल जाते हैं इस तरीके का, ब्लैक कलर में आपको गाड़ी में देख पा रहे होंगे। ये आपको ये साइड में आपको यहाँ से
ये आपको हल्का ग्रे फिनिश में आपको मिलेगा, और ये आपको लेदर का कवर मिलता है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं पूरा बॉडी कलर में जो फिनिश है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये आपको यहाँ तक दिया जाता है। साइड में अब आप देख सकते हैं तो इस जगह भी आपको ये बॉडी कलर का फिनिश मिलता है, बोथ साइड में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे। तो ये उसको प्रीमियम लुक देता है गाड़ी को। और ये जो आपके वेसी के वेंट्स हैं ये आप लोग देख पा रहे होंगे छोटे से बने हैं लेकिन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्रोम फिनिश मिल जाता है, और ये भी आप लोग देख सकते हैं तो ये आपको क्रोम फिनिश मिल जाता है, ये आपको मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्पोर्टी डिज़ाइन दिया जाता है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स देखते हैं तो ये आपको बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है यहाँ पे, इस जगह भी आप लोग स्टोरेज कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिलता है, बहुत जगह आपको मिलेगा। तो ये पूरा लुक आता है यहाँ पे गाड़ी का। और अभी हम लोग देखते हैं गाड़ी के ऊपर साइड, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपको मिल जाता है सन वाइजर विद टिकट होल्डर। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको लैंप लाइट मिलती है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। दो माइक्रोफोन के यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं, वो IRVM मिलता है, ये मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगा। और इस साइड में भी आप देख सकते हैं तो वेंटी मिरर के साथ में आपको सन वाइजर मिलता है। ग्रैब हैंडल तो ये आपको ऑटो फोल्ड मिलेंगे, सॉफ्ट फोल्डिंग इसमें आपको देखने को मिल जाती है। ये सारा आपका साइड व्यू आता है आगे वाली सीट का। तो ये आप लोग लुक पूरा देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा सा हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है क्रोम फिनिश बटन के साथ में। तो यहाँ का बहुत ही प्रीमियम लुक आता है इस गाड़ी का, आप लोग देख सकते हैं। डैशबोर्ड यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये आपको ब्लैक कलर में पूरा डैशबोर्ड मिलेगा, यहाँ पे प्लेन में डिज़ाइन होगा टेक्चर। दो एयरबैग आपको गाड़ी पे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ये जो है ये अलग से थोड़ा सा वर्क आपको देखने को जैसा मिलता है अलग से लगा हुआ, तो ये आपको देखने में अच्छा लगता है, यहाँ पे स्पोर्टी डिज़ाइन देता है। चलते हैं गाड़ी के बैक वाली सीट में और वहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो वहाँ पे स्पेस चेक करते हैं कितना देखने को मिलता है गाड़ी में। क्लोज करेंगे और बैक वाले डोर को ओपन करते हैं, देखिए यहाँ से ओपन हो जाएगा और ये देख पा रहे होंगे पूरा बैक वाले डोर का लुक। तो ये बहुत ही प्यारा सा लुक आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। आपको देखिए ये आपको वाइट कलर के देखिए ग्रैब हैंडल मिलते हैं इस तरीके के, और बटन आपको मिल जाएगी कंट्रोल, और यहाँ पे क्रोम फिनिश में अनलॉक का बटन मिल जाता है ये। और इस जगह आपको सिंगल बॉटल स्टोरेज मिलता है, यहाँ पे स्पीकर मिलते हैं। और इंटीरियर का लुक आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये आपका इंटीरियर का लुक आ जाता है पूरा इस तरीके का, देख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग सीट्स कैसी मिलती हैं और स्पेस चेक करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो सीट्स आपकी, ये आपकी सॉफ्ट टच में सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे हेडरेस्ट देख सकते हैं तो बहुत एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। सीट्स में देखिए जॉइंट मिलता है आपको, 60-40 का कॉम्बिनेशन मिलता है जिससे कि आप लोग बूट इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग बैठते हैं और ये देख सकते हैं तो गाड़ी में बैठने में जो फीलिंग आती है बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि सॉफ्ट सीट्स हैं और कंफर्टनेस भी बहुत ज़्यादा इसमें गाड़ी में देखने को मिलती है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं तो ये आता पूरा यहाँ पे व्यू आगे का, देख सकते हैं इस तरीके से गाड़ी दिखती है हमारी। और प्रीमियम कार है आप लोग देख पा रहे हो क्योंकि नेक्सा बना रही है, और यहाँ पे स्पेस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है गाड़ी में। यहाँ पे देख पा रहे हो तीन लोग के बैठने की आराम से जगह आपको मिल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपको यहाँ पे एक कप होल्डर मिलेगा, तो ये कप होल्डर मिलता है गाड़ी में। तो सीट आप लोग देख पा रहे हो पीछे है पूरी, और स्पेस जो है बहुत ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। बैक में देखते हैं तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे एक मिलेगी, बड़ी सी मिलेगी, अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। बैक में भी आपको दो ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, बोथ साइड में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। चलते हैं गाड़ी का बूट चेक करते हैं और बूट देखते हैं कितना मिल जाता है, वो हम लोग चेक करेंगे। यहाँ से अभी क्लोज करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं तो इस जगह आपको बैक में, ये बैक में चलते हैं, यहाँ पे बटन होगा, इसको प्रेस करेंगे तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे टेलगेट इसका ओपन हो जाता है इस तरीके से, सॉफ्टली ओपन होता है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है पार्सल ट्रे, तो इसमें आप सामान स्टोरेज कर सकते हैं लगेज। ये आता है यहाँ का व्यू पूरा, क्लोज्ड में आपको देखने को मिलेगा, ओपनिंग नहीं होगा कुछ भी। और यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस, तो आपको 260 लीटर का यहाँ पे बूट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इस जगह आपको एक लैंप लाइट भी मिलती है बैक में, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे स्टेपनी देख सकते हैं तो एक ये आपको स्टेपनी मिल जाती है, ये आपको अलॉय में नहीं मिलेगी स्टेपनी। तो ये आपका व्यू आता है पूरा, और अच्छा व्यू आता है गाड़ी का पूरी, बहुत ही प्रीमियम कार है। यहाँ से एक बार आपको एक्सटीरियर व्यू करवा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक्सटीरियर व्यू आता है गाड़ी का। और ये आता है फ्रंट लुक, तो आप लोग देख पा रहे हो गाड़ी बहुत ही अच्छी है और मिनी SUV इसको कह सकते हैं, ब्रेजा से छोटी है, मिनी SUV है। तो गाड़ी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।